क्या आप प्रयागराज शहर का इतिहास जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है एवं यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थी। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था और यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था। राजाओं के अभिषेक के कारण यहाँ के नाम में प्रयाग के साथ राज भी जुड़ा। तब से इसका नाम प्रयागराज पड़ गया। वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली थी। ऋषि भारद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। वर्तमान झुंसी क्षेत्र जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी राजा पुरुख का राज्य था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईसा में चीनी यात्री हुआन तसांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र मानते थे। यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। इलाहाबाद में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद प्रदान किया है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। प्रयागराज मूल रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर है। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है।